किन्नू के इतने से पेड़ में इतना बड़ा किन्नू लग रहा है। इसको देख लो आप, ये रोजाना रात को पिटता है और सुबह सही हो जाता है। कितनी बढ़िया बात। चलो, ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड मनाया जाएगा अक्टूबर में और ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और करीब 5-6 दिन चलेगा। तो उस समय अपन व्लॉगिंग करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो उस प्रोग्राम, उस इवेंट की तैयारी के लिए अब मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, तो आज हम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और इसी वजह से बस सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना के डालूं। और जो नेचर से प्यार करते हैं, बर्ड्स से प्यार करते हैं, उनको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये बहुत ही शानदार इवेंट होगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मैं निकल लिया अब द बाग होटल पर। तो एक्चुअली क्या, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा क्या, हाँ लेट हो गए हम, करीब आधा घंटा लेट हो गए। उसमें बात ये हो गई कि हमारे अंसार खान साहब हैं, उनकी गाड़ी हो गई ख़राब फिर, और अब हम पहुंच चुके हैं द बाग होटल और आज का मीटिंग पॉइंट यही है। और देखते हैं अभी अंदर कौन कौन आ चुका है। तो एक्चुअली क्या, मीटिंग तो हो गई है ख़त्म और जो यहाँ के ऑनर हैं हमारे विष्णु भाई साहब दाबाग के, तो वो हमको इस जगह का थोड़ा सा वॉक अराउंड दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या कर रखा है। तो मैं अभी जो यहाँ देख रहा हूँ ना, तो ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, नेचर को और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रीनिश हो रहा है, दुनिया भर की स्पीसीज़ हैं यहाँ बर्ड्स की, और साइट बना रखी है उन्होंने साइट सीइंग करने के लिए। जैसे आप बर्ड को यहाँ देखना चाहें तो उन्होंने ऐसी कई जगह बना रखी हैं, आप बिल्कुल बहुत पास से बर्ड्स को देख सकते हैं। और अब मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके का खुशनुमा माहौल है। अब देखो, अभी 2-3 महीने का इस पर गुठली ले आया था मैं, और ये काना के हैं। और सुनो, तो इसमें कुछ हाइब्रिड नहीं है, ये तो ओरिजिनल काना के ना, ये ओरिजिनल बीज है कटहल के। मैं वहाँ से अपने प्रॉपर्टी से 40-40 किलो की कटहल आती है मेरे खाना में। हाँ हाँ हाँ। मेरे रिजॉर्ट में, राइट, उसके बीज लाया हूँ तो ये बीज लग गए थे कटहल के। 3 साल में हो रहे हो भैया, खुद की नर्सरी बना रखी है विष्णु भाई साहब ने। आप एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सब कुछ यही है। यहाँ आओगे तो सब्जी भी लगभग यही की है। क्या बात है, देखो खाना के आम। और सुनो, वो क्या है मालूम है, बेलसी ककड़ी टाइप नहीं, अफगानी वाटरमेलन। बीज लगा दिया, अफगानी वाटरमेलन, अफगानी वाटर मेलन, क्या बात है, अफगानी तरबूजा। तो गूलर हमारे यहाँ एक्सेप्टेड है। हाँ। गूलर बहुत जल्दी पकड़ता है। हाँ। अच्छा, तो वो नीचे से वो गूलर पे चढ़ाई है कलम। तो ये गूलर काट के और इसमें कलम चढ़ाई है कटहल की तरह।
पेड़ में इतना बड़ा किन्नू लग रहा है। तो ये काफ़ी पुराने टाइम की कार यहाँ पर रखी हुई है, हेरिटेज कार है यहाँ पे। और एक वो जीप यूएसए नंबर RJ14, एक वो जीप हेरिटेज लुक में कार RJQ156 प्लाईमाउथ करके ये भी कार RJ530 हेरिटेज। वंस अगेन फोर्ड की RRZ 2000 हेरिटेज दाबाग में। आप भी आओ किसी दिन, विज़िट करो, बहुत अच्छा। और उनको जो यहाँ पे ऑनर है विष्णु भाई, उनको बताने में इतना इंटरेस्ट है, इतना मज़ा आता है उनको, हर चीज़ को बड़े हिसाब से बताएंगे आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी पे दोबारा कभी किसी दिन ब्लॉगिंग करेंगे। तो आज तो एक मीटिंग थी हमारी, और ग्लोबल वर्डिंग वीकेंड होने वाला है 5 अक्टूबर से, 5 से 8-9 अक्टूबर तक चलेगा, 5-7 दिन का है वो। और उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं हम, और यहाँ डेली लगभग अब स्टार्ट हो जाएंगी मीटिंग। तो पूरा ऑर्गेनाइज दाबाग की तरफ से हो रहा है, और दाबाग का एक्चुअली ये इवेंट नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर है। तो दाबाग इसको भरतपुर में एक सपोर्ट कर रहा है, और उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ ढूंढने की यहाँ कोशिश करेंगे अपने भरतपुर में, क्योंकि ये एक एक्चुअली क्या ये कह सकते हो हेवन है यहाँ पे पक्षियों का, बर्ड्स का। तो अब यहाँ पर मीटिंग है और वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो अब यहाँ से निकलते हैं, किसी दिन दोबारा आएंगे यहाँ पे, और अच्छी तरीके से इस इवेंट के बाद यहाँ पर ब्लॉगिंग करेंगे, बहुत अच्छा पूरी प्रॉपर्टी का एक शानदार वीडियो बनाएंगे और उसको आप दिखाएंगे।